देखो जी तुम्हारे घर चार पंडित है, दो तो असली है, दो कहने वाले वकील साहब। आओ जी आप पहुंचो। विक्ट्री वाला दिखा दो, भाटी जी से कह दो आप भी दिखा दो जी दिखाओ। मेन तो आपकी है, बड़े तो आप है, सबसे सीनियर, 50 साल पुराना पॉलिटिकल कैरियर है। सारे बताऊं या एवी वाइट? एवी वाइट एक बच्चा, दो लड़की भी शादी कर, तीन ही बच्चे, तीन बेटे हैं मेरे, जो परिवार में रह रहे हैं। नहीं, परिवार में एक रह, दो की शादी हो गई, एक मेल रह। कितने सबसे बड़ी बेटी मोनिका भाटी, श्रीमती कृष्णा, उनमें स्थापित होने वाले कॉलेजों में उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते, उन पर लगने वाले उद्योगों में उनकी भर्ती नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासनकाल की उपलब्धि ये है कि कंपनियों के बाहर बोर्ड लग गए हैं कि 200 किलोमीटर तक के आदमी की भर्ती नहीं होगी, तो ये अन्याय है इस क्षेत्र के साथ। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा ये होगा, ये बोर्ड उखाड़ने का काम करेंगे, लोकल बच्चों की भर्ती कराएंगे। दूसरा, जो फ्री होल्ड कॉलोनियाँ हैं उनको नियमित कराएंगे। सोसाइटियों में बहुत से फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जो पैसे देने के बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। मेंटेनेंस और बिजली के नाम पर जो लूट होती है उस लूट को बंद कराएंगे। क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलवाएंगे, बड़े पार्क बनवाएंगे, एक बड़ा पुस्तकालय बनवाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। किसानों के 64% के मुआवजे के और 10% आबादी के केस अटके हुए हैं, उनका भी समाधान कराएंगे। डीएमआईसी से प्रभावित हो या पेरिफेरल से जो प्रभावित लोग किसान हैं वो भी कोर्ट में हैं, धरने पर भी हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में पहली बार आई थी तो गुजरात मॉडल का प्रचार किया था। गुजरात मॉडल ये है कि जहां अपने ही बनाए कानूनों का पालन नहीं किया जाता। लैंड एक्विजिशन एक्ट ये कहता है कि किसानों को शहरी क्षेत्र में सर्किल रेट का 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, उसका पालन खुद सरकार नहीं कर रही है। जो हवाई अड्डे के लिए ज़मीन एक्वायर हुई उसमें जिन गांवों, जो इंटीरियर के गांव जिनमें कोई सुविधा नहीं है, सड़क तक नहीं है, उन्हें शहर घोषित कर दिया कि किसानों को मुआवजा न देना पड़े इसलिए। तो ये अन्याय है और इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। माननीय बहन जी ने हमारे जिले को जिस तरह से विकास किया और जिला बना के देश ही नहीं दुनिया में हमें एक पहचान दी। 10 साल में हमारी उस पहचान को ख़त्म करने का प्रयास दोनों सरकारों ने किया। पिछली सरकार ने हमारे यहाँ जो पैसा, यहाँ के जो जनता का पैसा जनता में खर्च होता है, उसको नियम को चेंज करके, ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार बहन जी ने ऐसे किया था कि ग्रेटर नोएडा का प्राधिकरण का पैसा ग्रेटर नोएडा में खर्च होगा, नोएडा का नोएडा में खर्च होगा, उसको बदल के हमारी ज़मीन के, हमारे और आपके पैसे, यहाँ के जनता के पैसे को उन्होंने सफाई में लगाया। और उनके जो नेताजी हैं उन्होंने जिला ख़त्म करके क्षेत्र को अपमान किया था। और बेटा जी ने हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत चुनाव ख़त्म करके क्षेत्र का अपमान किया, लूटा भी और अपमान भी किया। ऐसे ही हमारे माननीय योगी जी ने हमारी दादरी में 22 सितंबर को हमारी पूर्वजों की ज़मीन पर हमारी बनी मूर्ति, हमारे सम्राट वीर
गुजर जी की तस्वीर पर कालिक पोत कर हमारे समाज का अपमान किया। यहाँ के लोग अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। युवाओं को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, युवाओं के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है, किसानों के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है, यहाँ के मजदूरों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। विधायक बनना नहीं है, 10 तारीख हमारा विधायक बनने का एजेंडा नहीं है। 10 तारीख हमारा ये तय करेगी कि जो माननीय बहन जी ने जो यहाँ विकास किया था, जो हमें एक सम्मान दिया था, वो वापस लाना है। उसके लिए नौजवान तैयार है, उसके लिए किसान तैयार है, उसके लिए मजदूर तैयार है। आप देखें, जो भाजपा कहते हैं कि सोसाइटी सोसाइटी, आप जाके देखिए सोसाइटी की क्या हालत हो गई है। घर खरीदार बिल्डर को 30% 4% पैसा लेकर उसकी सारी की सारी जमीन की वो कर दी, रजिस्ट्री कर दी। और उस घर खरीदार ने जिसने अपनी सारी की सारी जीवन भर की गाड़ी कमाई, पैसे मतलब बैंक से लोन लेके सारा सारा जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बिल्डर पे बकाया बाकी है। बिल्डर की लूट की सजा घर खरीदारों को दी जा रही है। बिल्डर और प्राधिकरण मिलके घर खरीदारों को बंधक बना दिया है, उनको आज़ाद कराना है, उनके घर उनको वापस दिलाना है। जो माननीय बहन जी ने एक आम नागरिक को एक अच्छे घर में, एक अच्छे शहर में रहने का जो सपना जो दिखाया था उनको, वो पूरा करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर और 17 में जब हमारी सरकार यहाँ आई, तो पिछले 7 वर्षों में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, और ख़ास तौर पर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की एक शो विंडो है, हमारी शान है, और आज उसमें जो काम हुए हैं, मैं समझता हूँ, मैं 39 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ और पिछले 15 वर्षों से, अगर 2017 से पहले की बात करें, तो एक भी नई कंपनी यहाँ पर नहीं आई थी। 24 घंटे बिजली की हम बात करते थे, लेकिन बिजली का मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू हुई थी। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट 12,000 करोड़ की लागत से गौतम बुद्ध नगर में आया है, जेवर एयरपोर्ट आया है, अगर शाहदरा ड्रेन जिस पर 65 करोड़ की लागत से जो फ्लाईवे बन रहा है, वह लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। आज कानून व्यवस्था की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की जो हमारी प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की सिंगल विंडो सिस्टम है, हमारे विधायक पंकज सिंह जी ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। किसानों की समस्याएं हों उनका समाधान किया है। देश का पहला आज़ाद भारत का बॉटनिकल गार्डन अपने नोएडा में बना है, 163 एकड़ ज़मीन पर, 400 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर ओखला बर्ड सेंचुरी जो राष्ट्र का सम्मान है वो वहाँ पर बनी है। 2 इंस्टीट्यूट भारत का, पहला पाक कला इंस्टीट्यूट सेक्टर 62 में बना है, म्यूजियोलॉजी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आज हमारे गौतम बुद्ध नगर बल्कि सेक्टर 62 नोएडा में बनी है। तो मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और गुंडों बदमाशों की जो राजनीति नीति और जो होती थी यहाँ पर, उनसे निजात पाई है आज इस गौतम बुद्ध नगर नोएडा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र। इस सरकार ने जिस तरीके से जीना दुश्वार किया है प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का, तो हर एक मुद्दे को एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन जो दादरी विधानसभा को लेकर के मैंने सोचा है और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो 3 बातें प्रमुख हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख समस्या है बेरोज़गारी की। जब मैं गांव में प्रत्याशी के तौर पर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो 5,000-6,000 रुपये की नौकरी की अपेक्षा नौजवान मुझसे कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं करा सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सरकार बनेगी, ताकत मिलेगी, तो जितना भी यहाँ उद्योग है उनसे बात करके, जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उद्योग यहाँ बंद हो रहे हैं, तो उनसे बात करके एक नीति बनाएंगे और नीति बना करके जो दंश है बेरोज़गारी का, इससे निजात स्थानीय लोगों को हम दिलवाएंगे। दूसरी बात, किसानों को, हर 6 गांव के बाद एक धरना कहीं ना कहीं चलता होता है। आज भी NTPC का आपने देखा कितना बड़ा, नोएडा में आपने देखा, हमारे यहाँ तमाम आंदोलन, हमने खुद बहुत आंदोलन यहाँ किए हैं। किसानों की समस्याएं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार में जारी रहीं, और निरंकुशता की हद है इस सरकार में कि किसानों की सुनवाई 3 प्राधिकरणों में नहीं हुई है। 10% की बात है, हमें पहले पखवाड़े में ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कि 10% जो आबादी का विकसित भूखंड है वो यहाँ के लोगों को प्राधिकरणों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और जो ये लीज बैक की बात करते हैं, जो आज तक हुई भी नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं फिर उनको रोक देते हैं, तो लीज बैक शब्द को ख़त्म करके हम फ्री होल्ड की बात करेंगे। हमारी ज़मीन है, मालिकाना हमारा है, लीज बैक का कोई मतलब नहीं है,
हमारी ज़मीन है, हमें वापस की जा रही है, तो हमारी ज़मीन फ्री होल्ड के माध्यम से हमें वापस मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी के MLA विधायक यहाँ तीनों विधानसभा में बनेंगे और हमारी नीति और नियत स्पष्ट है, स्पष्टता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिल्डर और बायर के बीच का जो ये जो डिफरेंस है, बिल्डरों ने यहाँ जिस तरीके से लूटमार मचाई है प्राधिकरण के अधिकारियों की शह से, तो उससे हम लोगों को जो आम लोग हैं जो फ्लैटों में रह रहे हैं, जो बायर हैं जिनको बहुतों को मकान आज तक भी नहीं मिले हैं, तो प्लास्टर झड़ जाता है, कभी पंखा गिर जाता है, रजिस्ट्री नहीं होती है, बिजली के मीटर तक उनको नहीं लगे हैं, इन सबको हम लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की विजय होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम अक्षरतः जो कहें